बाबूलाल मरांडी के सलाहकार रहे सुनील तिवारी पर एफआईआर के बाद गरमाई सियासत। बाबूलाल और सुप्रियो आमने सामने। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के प्रेस सलाहकार रहे सुनील तिवारी पर अरगोड़ा थाने में एक लड़की की ओर से लगाए गए आरोप पर प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से झारखंड की सियासत गर्मा गई है। एक ओर जहां बाबूलाल मरांडी खुलकर सुनील तिवारी के पक्ष में ये कहते हुए खड़े हो गए हैं कि उन्हें द्वेष के कारण पुलिस किसी के कहने पर फंसा रही है, वहीं झामुमो महासचिव सह केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने खुले तौर पर एक आरोपी को बचाने पर बाबूलाल मरांडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बाबूलाल मरांडी और सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक दूसरे को किस तरह घेरा, ये उनके वीडियो से स्पष्ट हो जाएगा। आजाद सिपाही अपने दर्शकों के समक्ष उस वीडियो को प्रस्तुत कर रहा है। ये हमारे मतलब सलाहकार के रूप में काम कर रहे सुनील तिवारी जी और आप सब लोगों के भी वो वरिष्ठ साथी रहे हैं, पत्रकार, उन्हें वरिष्ठ पत्रकार है, इसलिए मैंने कहा कि आप सब लोगों के साथी और हमारे तो सलाहकार। कल उनके ऊपर अरगोड़ा थाना में एक मैंने षड्यंत्र के तहत जिसको कह सकते हैं एक उनके ऊपर बड़ा गंभीर आरोप लगाया गया है, उनके ऊपर केस किया गया है। मैं उस संदर्भ में ही मैं आप सब लोगों से बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ, क्योंकि घटना थोड़ी सी लंबी है, इसलिए आप सब लोगों को मुझे लगता है कि पूरी कहानी बतानी पड़ेगी थोड़ी सी संक्षिप्त में। क्योंकि मामला पिछले 2020 के दिसंबर से ही ये चल रहा है, आप सबको ध्यान में आएगा 2020 में के दिसंबर में मुंबई के हाई कोर्ट में एक लड़की ने सीबीआई जांच के लिए केस दायर किया और उस मामले को ही सीबीआई जांच के लिए उन्होंने दायर किया। लेकिन उसके बाद कुछ दिनों के बाद आप सब लोगों को भी ध्यान में आया होगा या आप सब लोगों ने देखा होगा, एक उस लड़की का एक वीडियो वायरल हुआ था और उस वीडियो में उस लड़की ने इतना ही कहा था कि अगर हमें कुछ भी होता है तो उसके लिए जिम्मेवार बाबूलाल मरांडी, निशिकांत दुबे, सुनील तिवारी और कोई एक मुंबई के रहने वाले, हम सबको तो नहीं पता है, देखे भी नहीं है, कोई जाहूर करके व्यक्ति कि ये चार लोग जिम्मेवार होंगे। और जब मैंने इस मामले को देखा, उस सीडी को, वीडियो को, तब स्वाभाविक है किसी भी व्यक्ति के दिमाग में बातें आ सकती है, मामला साजिश बड़ा गंभीर है, षड्यंत्र है। और उस वीडियो को चूंकि लड़की ने वीडियो बनाई और उसको वायरल भी किया, आप सब लोगों ने भी देखे होंगे उस समय, और हमने तुरंत उस समय के जो डीजी पुलिस थे महाराष्ट्र के, उनको हमने एक पत्र लिखा और वहाँ के जो पुलिस कमिश्नर थे उनको भी हमने पत्र लिखा, क्योंकि मेरा नाम उसमें उल्लेख था। और उस पत्र में हमने ये लिखा कि हमें लगता है कि इसमें बड़ा गंभीर षड्यंत्र है, क्योंकि इसकी मामले की जांच होनी चाहिए और लड़की की भी सुरक्षा की करनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई लड़की, जैसे कि अनजान व्यक्ति का कोई नाम लेता हो, जिसे कोई भेंट नहीं, कोई परिचित नहीं, हमसे तो कोई परिचित नहीं था, निशिकांत दुबे से भी कोई परिचित नहीं था, हाँ सुनील तिवारी जी उनको जानते थे, और उसमें से और चौथा को तो हम लोग जानते भी नहीं थे, उसका भी नाम आया, तो हमने कहा कि मामला बड़ा गंभीर है, इसकी जांच होनी चाहिए। तब हमने वहाँ के डीजी पुलिस को लिखा, वहाँ के पुलिस कमिश्नर को लिखा और सुनील तिवारी जी को मैंने कहा कि भाई चूँकि आपका नाम आया है और मामला हाईकोर्ट में है तो आप इंटरवेनर बन रही है,
नहीं तो कल होकर के लड़की की हत्या कहीं भी हो जाती है तब तो फिर अनावश्यक रूप से आरोप लगेंगे हम सब लोगों के ऊपर, चूंकि आपकी नाम आया है इसलिए अब इंटरवेनर वहाँ बन गई, ताकि मामला जांच होनी चाहिए सीबीआई से होनी चाहिए, और इंटरवेनर बना और मामला अभी भी मुंबई अदालत में पड़ा हुआ है। उसके बाद जब काफ़ी लंबा समय हो गया मामला कुछ भी निष्पादन नहीं हो रहा है, तब हमने सुनील तिवारी जी से कहा कि भाई ये तो मामला और गंभीर है, अगर मामला लटका हुआ रहेगा हाई कोर्ट में तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ और सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करना कि ताकि जल्दी मुंबई हाई कोर्ट को निर्देशित करें कि जांच हो जाए इस सब में। और फिर जुलाई 2021 में सुप्रीम कोर्ट गए और प्रस्तावित संभवतया तारीख बेकार सप्ताह में आ जानी चाहिए। उस समय से लगातार सीएम के जो करीब के लोग जा कर के भी घर में या टेलीफोन से भी सुनील तिवारी जी को धमकी देते रहे कि अगर आप इस केस में पड़े रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे। मैं नाम इसलिए यहाँ नहीं बता रहा हूँ कि जब उसकी जांच होगी तो मैं उन सारे नामों को बता दूंगा कि उनके घर में आकर के कौन किसने क्या बोला है, उनके टेलीफोन से किसने क्या बात किया है, वो सारे चीज़ें उस समय बताई जाएगी। और उसके बाद किस प्रकार से आप सोचिए कि 15 अगस्त को पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, सुनील तिवारी जी के घर कडरू में है बगल में ही, उनके घर में एक बच्चे 9th क्लास में एक बच्ची 6th क्लास में, भाई बहन वहीं रह करके पढ़ाई करते थे, कोरोना के कारण स्कूल बंद है, पिछले एक महीना से वो बच्ची अपने घर चली गई, अनगढ़ा में उनका घर है, घर में उनके पिताजी है उनकी भाभी है छोटे छोटे बच्चे हैं, और 15 तारीख को अनगढ़ा पुलिस वहाँ से उन लोगों को उठा करके लाते हैं और धुरवा थाना में 1 बजे रात तक एक 6 साल के बच्चे एक 4 साल के बच्चे और उनकी माँ यानी उनकी भाभी जो बच्ची पढ़ रहे हैं, जो बच्ची 6th क्लास में पढ़ रहे उसके भी 12-13 साल की उम्र, आप समझ सकते हो अगर ऐसे ही लोगों को इतना बजे रात तक कोई एक तो टॉर्चर ही समझे, अगर हमारे रात के जैसे भी व्यक्ति को पुलिस थाना में बैठा करके रखेंगे तो बहुत लोगों का तो पैंट में गीला हो जाता है, डरते हैं भाई आप, मैं आपको भी बता रहा हूँ आप सब लोगों को भी कि लोगों को डर लगता, वो भी 1 बजे रात तक 2 बजे रात तक, और 3 बजे उन लोगों को फिर कहाँ ले गया काके तरफ, उन लोगों को कोई भी पता नहीं कौन जगह पर, कोई हॉस्टल टाइप में है तो वहाँ फिर उन लोगों को रखा। और इसके बाद 16 तारीख को 4 बजे बाल कल्याण विभाग का जो रांची वहाँ ऑफिस है वहाँ इसको सूचना किया और वहाँ ला करके बच्ची को सपोर्ट किया, और इसका प्रेमा आश्रम कहाँ पर है वहाँ पर उन बच्ची को अभी भी रखा हुआ है, अभी बच्चे को जोड़ा नहीं है। 15 तारीख को शाम में हम लोगों ने बहुत बात करने की कोशिश की सीनियर एसपी से डीजी से ग्रामीण एसपी से, कोई स्पष्ट जवाब ही नहीं दे रहा था यार मामला क्या है। तो आप सोच सकते हो किस प्रकार से पुलिस काम कर रही है टूल के रूप में, अगर कोई मामला हो बताओ भाई, कहीं से भी कोई नियम नहीं है, महिला को छोटे बच्चे को आप रख करके आप, हमने तो आज तक यही सुना था कोई लवारिस तरह कोई बच्चे मिल जाते हैं या कहीं पर कोई बच्चे रिस्क्यू होते हैं तो उनको ला करके लोग सुधारगिरी में रखते हैं, लेकिन जो अपने माता पिता के घर में जो बच्ची रह रही है पिछले एक महीना से और घर से उनको उठा करके बाल सुधारगिरी में उसको रखता है, आप बताओ कि क्या मामला, आज तक भी उसको छोड़ा नहीं है, कल बताए कि आज छोड़ेंगे, आज पता चला कि ऊपर से टेलीफोन आया कि अभी बच्चे को और 2 दिनों तक नहीं छोड़ना है, भाई क्या हो रहा है मजाक। और उसी में से जो दूसरी जिससे लोगों ने केस कराया 1 साल पहले वो बच्ची उनके घर में काम करते थे और उनसे लोगों ने केस कराया, तो निश्चित रूप से केस की आप समझ सकते हो। मैंने इसलिए बताया कि ये सारे जो बिल्कुल फैब्रिकेटेड जिसको इसलिए हमने ताकि ये सारे मामले को या तो क्या कहते हैं राज्य सरकार की पुलिस प्रशासन पर तो कोई भरोसा नहीं है, अगर बात नहीं करते नीचे तो उनकी क्या भरोसा कर सकते, तो इसलिए हम कहेंगे
पूरे मामले को सीबीआई को दे देना चाहिए, हाईकोर्ट की सिटिंग जज के अध्यक्षता में जांच करा देनी चाहिए ताकि ये पता चल सके कि मामला क्या है, हुआ क्या है इसमें से। और इस मामले को लेकर के कल, अभी चूंकि गवर्नर है नहीं, गवर्नर आएंगे, महामहिम आएंगे तो उनसे भी हम लोग मिलेंगे, अर्जी करेंगे। अगर इस प्रकार की किसी को भी कोई लोग, तब तो कोई किसी के घर में कोई काम करने में लोग डरेंगे, काम करने वालों को रखने में लोग डरेंगे। और सरकार के विरोध में आप सब लोग भी लिखते हैं, आप सब लोग भी दिखाते हैं, तो आप लोगों को भी सावधान में कर देना चाहता हूं कि किसी दिन आपके ऊपर भी कोई इस प्रकार के केस कर देगा। तो ये बिल्कुल अन्याय है, जुल्म है, और इसका हम विरोध करते हैं। और हम इसका कहते हैं कि भाई जांच करिए और निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराइए। इसलिए मैं आज आप सब लोगों के समक्ष मैं यहां उपस्थित हुआ हूं। ट्रैफिकिंग के खिलाफ और खासकर नाबालिग लड़कियों से जो लगातार खबरें आती हैं, जो शोषण होते हैं, उन शोषणों पर भी अब बाबूलाल जी को तकलीफ होने लगती है। हम लोगों ने सत्ता में आने के बाद कोरोना काल में बहुत बड़ी संख्या में यहां की बेटियों का रेस्क्यू करने का काम किया, चाहे वो तमिलनाडु से हो, दिल्ली से हो, हरियाणा से हो, हिमाचल से हो। कई रेलवे स्टेशनों पर अभियान चलाए गए, कई बस अड्डों पर निगरानी रखी गई। हम लोगों ने बार बार ये चाहा कि हमारी बेटियां हमारे घर में ही सुरक्षित रहें, और केवल सुरक्षित रहना नहीं, उनको ट्रेन कर आजीविका मिशन के द्वारा उनको ससम्मान जिंदगी जीने हेतु साधन भी मुहैया कराना। इन चीजों से घबराहट बाबूलाल जी में स्वाभाविक है। मुझे नहीं लगता कि तकलीफ क्यों होती है बाबूलाल जी। यदि पुलिस किसी भी तरह की कोई तफ्तीश करे, उसके पास कोई जानकारी आए, उसकी जांच करे, जांच के नतीजे आने के पहले ही बाबूलाल जी लगता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन जाते हैं, सर्टिफिकेट देना शुरू कर देते हैं। जिनके पास पैसे हैं, चाहे वो व्यापारी हो, अधिकारी हो, राजनेता हो, ठेकेदार हो, ऐसे बहुत सारे घरों में, खासकर आदिवासी बच्चियां को घर के कामों में लगाया जाता है। उनके आर्थिक अभाव का, उनके माता पिता के जो अभाव पर जिंदगी है, उसका शोषण किया जाता है, दोहन किया जाता है। और जब उसका, उस पर्टिकुलर लड़की का यदि कहीं शोषण होता है, यदि उसकी शिकायत आती है, तो निश्चित तौर पे पुलिस उस पर जांच करती है। अब एक नया बाबूलाल जी का राग उठ गया, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में चल गए, उनको सीबीआई पर बहुत भरोसा होने लग गया। डेढ़ साल पहले तक बाबूलाल जी सीबीआई की आलोचना करते थे, 2019 तक, 2020 से बाबूलाल जी सीबीआई के भी प्रवक्ता बन गए।
ये चीजें सही नहीं है उनके स्ट्रक्चर के आदमी के लिए, उनको सहयोग करना चाहिए। यदि उनके साथ जुड़े हुए कोई लोग हैं, मुझे नहीं मालूम कि वो भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय है या नहीं, सदस्य है या नहीं है, या पदाधिकारी है या नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी बताएगी। लेकिन कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हम लोगों ने देखा है कि वो व्यक्ति राजनीतिक सचिव सलाहकार भी, और उनके बचाव में बाबूलाल जी आ जाते, जो पार्टी का सदस्य तक नहीं होगा, पार्टी का झंडा पीछे लिए बाबूलाल जी उस पर बयान देते हैं। अपने व्यक्तिगत कर्मचारी के बारे में पार्टी का प्लेटफॉर्म करना, प्लेटफॉर्म का यूज करना, हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी शर्मसार करता है। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा था पुलिस के द्वारा जो फुटेज दिए गए थे, जो फ्लाइट्स के डिटेल्स आए थे, वो जब आप मित्रों ने जब बाबूलाल जी से पूछा तो फिर वो बोलना बंद कर दिया। तो आप अचानक इस तरह से अनर्गल बात कीजिएगा और कैसा कैसा ताना बाना बनते हैं, हमको लगता है कि अब लोग उन पर, उनके गंभीरता पर सवाल उठाने लगे। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, पुलिस को धमकी आप बार बार देते हैं, बार बार आपके द्वारा कही जाती है कि हमारी सत्ता आते ही आप पे कार्रवाई की जाएगी। उनके कामों में बाधा डाला जाता है। पुलिस अपना काम करती है और समय आने पर वो अपना बयान भी जारी करती। ये तो उनका भी अधिकार है।